नमस्कार, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकेरिया की समस्या को होम्योपैथी दवाओं द्वारा कैसे ठीक किया गया। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो आइए समझते हैं। एक 30 वर्ष के पुरुष जिन्हें आर्टिकेरिया की समस्या थी, उन्होंने कहा कि यह समस्या पिछले 3 से 4 महीनों से है। यह जांघों से शुरू हुआ और धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से में भी होने लगा। उन्होंने बताया कि उनको हर तीसरे दिन चकत्ते होते हैं। उन्होंने खुजली और जलन की भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि मैं एविल टैबलेट लेता हूं और मैं 5 मिनट के भीतर बेहतर महसूस करता हूं। यदि टैबलेट नहीं लूं तो खुजली कम होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि उनको मसालेदार और तला हुआ खाना पसंद है, लेकिन मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें ठंडा पानी पीना पसंद है, लेकिन उससे उनके लक्षण बढ़ जाते हैं। उनके चेहरे पर, खासकर माथे और पैरों के तलवों पर पसीना आता है। उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब सपने का भी जिक्र किया कि वे कार चला रहे हैं और अचानक ब्रेक फेल हो जाता है। कार बाएं और दाएं मुड़ती है। उन्हें घबराहट महसूस होता है और नींद खुल जाती है। घबराहट के अनुभव में वे कहते हैं कि मैं जागने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता। उनकी छाती पर दबाव महसूस होता है। मैं मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। दूसरे सपने में उन्होंने जिक्र किया कि कोई जानवर मेरा पीछा करता है। मैं डर से जंगल में भाग रहा हूं, मदद के लिए चिल्ला रहा हूं, मैं कुएं में गिर जाता हूं और घबराहट से नींद खुल जाती है। अन्य सपनों में सांप शामिल है जो उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं और उसे लगता है कि वह मर जाएगा। उन्हें ऊंचे ऊंचे स्थानों से भी गिरने का डर सताया करता है। जब उनसे उनके स्वभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह बहुत ही शांत व्यक्ति हैं और ज्यादा बात नहीं करते। लोगों से आसानी से घुल मिल नहीं पाते। उन्हें दोस्त बनाने में भी समय लगता है। अगर कोई बिना गलती के मुझे दोष देता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह, शोर शराबा, बाहर जाना, फिल्में देखना आदि पसंद नहीं है। वे घर पर रहना पसंद करते हैं। वे लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। उनके सभी लक्षण लेने के बाद अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, अर्थात हम उन सभी लक्षणों का विश्लेषण करके एक दवा के माध्यम से सभी बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम पहला महत्वपूर्ण लक्षण ले सकते हैं जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा यकीन है। इस लक्षण को लंगर कहते हैं, जो हमें जमीन पर उतार देगा और कई लक्षणों की धुंध में तैरने से रोकेगा। अब हम रोगी के जीवन से जुड़े हर एक मामले का और अच्छे से विश्लेषण करेंगे। जब कोई रोगी कई लक्षणों के साथ आता है तो हमें चक्रव्यूह में भटकना नहीं है। सबसे पहले लक्षण में हम देखेंगे कि उन्हें सपने आते हैं। रोगी चिल्लाने की कोशिश करता है परंतु आवाज नहीं निकलती। यह लक्षण साइलिसिया और आर्सेनिक में है। दूसरे लक्षण में सपने में कोई जानवर पीछा करता है। यह लक्षण साइलिसिया, सल्फर और एलम में है। अगले लक्षण में सांप के सपने आते हैं। यह साइलिसिया, थूजा, लेकेसिस, लैक केनाइनम, टूबरकुलिनम में है। उनके लक्षणों में अनजान लोगों का डर भी शामिल है। यह साइलिसिया, थूजा, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया, पल्सेटला, आर्सेनिक, टूबरकुलिनम, लेकेसिस और बराइटा कार में है। रोगी शर्मीला, नर्वस और संकोची है। यह लक्षण काफी दवाओं में है परंतु इसकी टॉप ग्रेडेड जो दवा है वह है साइलिसिया, सल्फर, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया, मर्क्यूरियस, पल्सेटला, स्टेफेसिग्रिया, पेट्रोलियम और बराइटाकार। भीड़ वाली जगह जाने से कतराना और नर्वस होना, इस लक्षण की मुख्य दवा साइलिसिया, लाइकोपोडियम और प्लम्बम मिट है। आगे के लक्षण में तलवों से पसीना आना है। इसका लक्षण काफी दवाओं में है परंतु इसकी टॉप ग्रेडेड जो दवा है वह है साइलिसिया और नाइट्रिक एसिड। रोगी को फ्राइड फूड खाने की इच्छा होती है। यह लक्षण साइलिसिया, नेट्रम्यूर, प्लम्बम मेट में है। रोगी को ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है। यह लक्षण भी काफी सारी दवाओं में है परंतु इसकी जो टॉप ग्रेडेड दवा है वह है मर्क्यूरियस, फॉस्फोरस, साइलिसिया, थूजा, सल्फर, लाइकोपोडियम आदि। अटिकेरिया, इरप्शंस, जो कि समय के साथ आते जाते हैं और लक्षण शाम में काफी बढ़ जाता है। इसके कई मुख्य दवाएं हैं जिनमें साइलिसिया है, सल्फर, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला, नाइट्रिक एसिड, स्टेफिसिग्रिया, पेट्रोलियम, मर्क्यूरियस। तो ऐसी ऐसी दवाएं हैं जिनमें इरप्शन है, जो कि शाम में लक्षण भी बढ़ जाते हैं और आते जाते रहते हैं। लक्षणों का अध्ययन करने के बाद हम देखते हैं कि साइलिसिया रोगी के सभी क्षेत्रों, जैसे कि मानसिक स्थिति, उनके सपने, उसकी शारीरिक लक्षण को
पूरी तरह से कवर करती है। तो ऐसे में जहन में आ जाता है कि इस रोगी की दवा साइलिसिया है। अब हमने रोगी को महीने में एक बार साइलिसिया 1000 शक्ति की लेने की सलाह दी। 3 महीने बाद रोगी कहता है कि आर्टिकेरिया पूरी तरह से चला गया है, नींद अच्छी आती है, कोई सपने नहीं है, भूख और प्यास अच्छी है, मानसिक स्थिति भी सामान्य और शांत है। तनाव या चिंता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा अब कुछ भी नहीं है, कुल मिलाकर वह पूरी तरह से ठीक महसूस करते हैं। ऐसे ही रिपर्टरी के आधार पर दवा का चुनाव करके ही हम रोग को जड़ से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।